हेलो स्टूडेंट, मायसेल्फ अमोल मानकर, सीनियर लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फिफ्थ सेमिस्टर सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द सब्जेक्ट कोड इज 22516। टुडे वी आर स्टार्ट अवर यूनिट नंबर 1, ओवरव्यू ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द अलोकेटेड मार्क्स इज 8, and today's topic is operating system concept and evaluation and generation of operating system. These are our course outcome. हमारे इस subject में total 6 units है और these are the 6 course outcome जो हम हर एक unit के बाद में achieve करने वाले. So fulfillment of course outcome through unit number 1. After completion of this unit, हम यहाँ पे CO1 को अचीव करने वाले, and CO1 is distinguish and classify the various generation of computer in terms of operating system. So after completion of unit number 1, we will achieve CO1. These are the learning outcomes. After completion of this lecture, we will able to understand the basic concept of operating system and understand the evaluation and generation of operating system. So, introduction of operating system. जैसा कि हम सभी को पता है कि computer system is made up of computer hardware and software. Hardware को हम बोलते हैं physical part of computer system और logical part जो होता है computer system का, जिसको हम बोलते हैं software. और अगर मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज फॉल इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. इट वर्क्स लाइक अ मीडिएटर बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर. अगर मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंपल वन लाइन में डिफाइन करूं, तो यहाँ पे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलूंगा इट्स अ मीडिएटर बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर. व्हाई? बिकॉज़ विदाउट इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वी कांट यूज सिंगल हार्डवेयर ऑफ अवर कंप्यूटर सिस्टम. इसलिए जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम को परचेस करते, तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. वो जो सॉफ्टवेयर रहेगा उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. Because without installing operating system, हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज नहीं कर पाएंगे और ना ही कोई दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को वहां पे इंस्टॉल कर पाएंगे. Basically there are three categories of software. First one is system software. So our operating system falls under the system software, because without installing operating system, हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज नहीं कर सकते. ऐसे जो सॉफ्टवेयर रहते हैं वो हमारे आएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर में. एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर एंड मेनी मोर सॉफ्टवेयर. सेकंड कैटेगरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जहां पे यूजर की चॉइस अराइज होगी, ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो रहेंगे वो रहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जैसे किसी स्टूडेंट ने जेट ऑडियो इंस्टॉल करके रखा हुआ है सिस्टम में, किसी स्टूडेंट ने विंडोज मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करके रखा है फॉर लिसनिंग अ सॉन्ग. So these are the user choices. As per the requirement, everyone can install the software. So ऐसे जो सॉफ्टवेयर रहेंगे वो हमारे फॉल होंगे अंडर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. थर्ड वन इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैंग्वेजेस एंड एडवांस एंड वेब टूल्स. ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका यूज करके हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो होंगे वो हमारे आएंगे थर्ड कैटेगरी के अंडर में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैंग्वेजेस एंड एडवांस एंड वेब टूल्स. सो दीज आर द थ्री बेसिक कैटेगरीज ऑफ अवर सॉफ्टवेयर. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. देयर आर बेसिक फोर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. फर्स्ट वन हार्डवेयर, दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अवर कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर. एंड जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम, दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट. सेकंड कंपोनेंट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन कंप्यूटर सिस्टम. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा.
नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम की जरूरत भी यूजर को पड़ने वाली है। एज पर रिक्वायरमेंट यूजर अपने सिस्टम के ऊपर में इंस्टॉल करेगा एप्लीकेशन प्रोग्राम, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया हुआ है। एंड लास्ट वन इज यूजर। सो दीज आर द बेसिक फोर कंपोनेंट्स ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम। दिस डायग्राम शोज कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हियर दिस इज द कंप्यूटर हार्डवेयर। नाउ जस्ट अबाउट द कंप्यूटर हार्डवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। दिस इज द सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। दैट मीन्स कंपाइलर, असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर, डेटाबेस सिस्टम, दीज आर द सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। एंड जस्ट अबाउ देर आर द नंबर ऑफ यूजर। सो दिस फिगर शोज द फोर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सो हियर देर आर एन नंबर ऑफ यूजर, देर आर एन नंबर ऑफ सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, बट फॉर ऑल द यूजर वन थिंग इज कॉमन एंड द थिंग इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक यूजर को जरूरी रहेगी। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नाउ नेक्स्ट वन इज फंक्शन और ऑपरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस मैनेजमेंट। जैसे कि हम सभी को पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस एट अ टाइम। सो मैनेजिंग द प्रोग्राम दैट आर रनिंग। जो भी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही है, जो भी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वो सारे प्रोग्राम को, प्रोसेसेस को मैनेज करने का काम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। एंड दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेम इज प्रोसेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज मेमोरी मैनेजमेंट। मैनेजिंग एंड रैशनिंग द मेमोरी बिटवीन द प्रोसेस एंड डेटा। नंबर ऑफ प्रोसेस रहेगी तो नंबर ऑफ प्रोसेस को, डेटा को स्टोर भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में करना पड़ेगा। सो मैनेजिंग एंड रैशनिंग द मेमोरी बिटवीन द प्रोसेस एंड डेटा, ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे करेगा। दैट मीन्स हर एक प्रोसेस को मेमोरी अवेलेबल करा के देने का काम यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। सो दिस इज द अनदर फंक्शन। नेक्स्ट वन इज स्टोरेज मैनेजमेंट। मैनेजिंग द परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा ऑन डिस्क और अदर मीडिया। परमानेंट स्टोरेज अगर हमको हमारे सिस्टम के ऊपर में करना है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। एंड ये हम कर पा रहे हैं, व्हाई? बिकॉज द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स वन मोर फैसिलिटी एंड द नेम इज स्टोरेज मैनेजमेंट। सो दिस इज द अनदर फंक्शन। नेक्स्ट वन इज आईओ मैनेजमेंट। मैनेजिंग द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। दैट मीन्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम में नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, तो सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करने का काम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। नेक्स्ट वन इज डिवाइसेस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। मैनेजिंग द डिवाइसेस एंड रिसोर्सेस एंड अलाउ द यूजर टू शेयर द रिसोर्सेस। डिवाइसेस एंड रिसोर्सेस को मैनेज करेगा यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और अलाउ करेगा यूजर को टू शेयर दैट रिसोर्सेस। Security and protection, securing the system against the possible unauthorized access to data or any other entity, protecting the parts of the system against the damage. Provide करेगा basic security and provide करेगा basic protection to our computer system against the possible unauthorized access to a data or any other entity. Basic security भी हमारा operating system हमको यहाँ पे provide करने वाला है। So this is the again another function provided by the another function of operating system. And last one is booting the system and getting it ready to work. हमारे computer system की button press करने के बाद में हमारा desktop शुरू होने तक का पूरा काम यहाँ पे हमारा operating system कर रहा है। So this is the another function of our operating system. Now next one, operating system evaluation and generation. Basically there are four generation of our computer system. So first one is zeroth generation of computer. This is between the 1792 to 1871. इस computer system को हम बोल रहे थे mechanical parts और mechanical computer system.
It is made up of analytical engine designed by the English mathematician Charles Babbage. This machine was mechanical design with wheels, cogs, gear, etc. Basic calculation ये computer कर पा रहा था, जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ है English mathematician ने इस computer को बनाया था, तो this computer performs some basic calculations only. After zeroth generation, next one is first generation around mid of 1940. This generation gave the electrical design instead of mechanical one. Speed grows up, but the vacuum tubes were having the problem of heating and they required a large space. Again, there was no operating system in this system. जैसे कि zeroth generation computers में भी कोई operating system नहीं थी, same thing first generation की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का कंसेप्ट है, बट वैक्यूम ट्यूब में प्रॉब्लम ये था हीटिंग का एंड दे रिक्वायर्ड अ लार्ज स्पेस, बट इसमें भी यहाँ पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं थी. सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1955 टू 1965, यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर ने. द प्रॉब्लम ऑफ स्पेस एंड साइज वॉज सॉल्व, बट द ड्रॉबैक of transistor was the current leakage due to the problem the transistor are replaced in the third generation. And assembly language was a second generation language and second generation followed the batch system. जो हम आगे पढ़ने वाले batch system, वो जो concept है, वो जो operating system वो आया था second generation of computer में. किस तरीके से काम करता है तो हम detail में देखने वाले, but यहाँ पे हम short में देखते हैं. That is, one by one job were executed in the system. Assembly language are basic COBOL and Fortran. These are the assembly languages जो हम second generation में use कर रहे थे. Third generation of computer 1965 to 1980 where the transistor replaced by the silicon chip. और यहाँ पे first computer IBM ने introduce किया था system 360 series of machine which were known as family of computers. This is the third generation. And this is the last generation, fourth generation from 1980 and present mein thi. The personal computer were designed with the development of LSI, that means large scale integration circuit, and the chips having the thousands of transistor on silicon. During mid of 1982, important operating system for network were developed, network operating system and distributed operating system. This is the fourth generation of computer jo 1980 mein start hua tha, develop hua tha aur jo abhi bhi chal raha hai, jahan pe LSI ka concept use किया था. So these are the basic four generation of our computer system. यहाँ पे first three generation में कोई operating system नहीं थी, but उसके बाद में operating system develop होना start हुआ. So these are the some MSBT questions based on the today's lecture topic, and this is important question for the exam point of view, and this is the summary of learning. आज हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, फंक्शंस एंड ऑपरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इवैल्यूएशन एंड जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. थैंक यू.